अगर आपको यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक या किसी भी राज्य का पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पास करना है, तो आपको आपके सिलेबस के बाद भी बहुत सारे चैप्टर्स तैयार करना पड़ेगा। आपके हाई स्कूल के सिलेबस में, 11वीं के, 12वीं के सिलेबस में क्या चीज़ दिया हुआ है, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनकी तैयारी अगर नहीं हो पाएगी तो ये मान के चलिए कि आपका बढ़िया रैंक नहीं आएगा। वो चैप्टर कौन कौन से हैं, जैसे साधारण ब्याज आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हो, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, बट्टा, जन्म मरण सांख्यिकी, इस तरह के जो चैप्टर हैं, अनुपात समानुपात, ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी। ये सारे चैप्टर आपको आपका रैंक आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे, तो इस नाते ये सारे चैप्टर आप ज़रूर पढ़िए। आज मेरी जो वीडियो है लाभ हानि से संबंधित है, इसकी ट्रिक इतनी ज़ोरदार ट्रिक लाया हूँ, एक ऐसे सवाल को हल करने में इतनी आसान ट्रिक है कि आप लोग इसको देखोगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तो चलिए आज की ट्रिक को जान लेते हैं और आज का सवाल भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब दनादन सवाल पढ़ते हैं और सवाल करते हैं मात्र 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, ऐसे ऐसे सवाल 3-4 सेकंड में हो जाएंगे। सवाल आप भी देखें। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने में ही 15 कलम बेचा। यहाँ पर खरीदा और बेचा ये दो शब्द आप याद रखिए। खरीदा का मतलब क्रय किया और बेचा का मतलब विक्रय किया। तो खरीदे गए वस्तुओं की संख्या 20 है। इस सवाल को जरा गौर से देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देखिए, पढ़िए। खरीदे गए वस्तुओं की संख्या कितना, खरीदे गए कलम में 20 है और बेची गई कितनी है, 15 है। तो क्रय वस्तुओं की संख्या की जगह पर क्या लिखोगे, 20 माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या पर क्या लिखोगे, 15 का 20 खरीदा और 15 बेचा, बटे के नीचे विक्रय वस्तुओं की संख्या, नीचे क्या है, 15। भाई बेचा है 15 तो 15 लिख दिया, और गुणे लिखेंगे 100। भाई लाभ हानि प्रतिशत में 100 का गुणा तो बहुत 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 बार होता है, तो हमेशा करते रहेंगे। 5 बचेगा ऊपर, 20 में से 15 गया 5, नीचे 15 गुणे 100, काट पीट के आ गया कितना, 33 सही, 1/3%। ये प्लस में आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो इतना प्रतिशत लाभ होगा, अगर यही माइनस में आता तो उतना प्रतिशत हानि लिखते। समझ गए, यहाँ पर लिखा है ना लाभ या हानि, लाभ कब रहेगा जब प्लस में आएगा, हानि कब रहेगा जब माइनस में आएगा। क्लियर, कितना टाइम लगा। अगला सवाल आप खुद वीडियो को रोक करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा और आंसर मन में ही ला लीजिएगा, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर एक ही आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। इसको जल्दी से देखें, ध्यान से देखें, मैं मिटा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगला सवाल देखिए। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय किया, बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 25 वस्तुएं क्रय और 18 वस्तुएं विक्रय, यानी 25 क्रय और 18 विक्रय, तो क्रय की जगह हम पर लिखेंगे कितना, 25, फिर ये माइनस लगाएंगे, विक्रय की जगह कितना लिखेंगे, 18, बटे में नीचे क्या है, विक्रय, विक्रय में भी क्या रहेगा, 18 गुणे 100, ऊपर से इसको घटा लो कितना बचेगा, 7/18 गुणे 100। इसका जब आप गुड़ा उड़ा करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आएगा 38 सही, कितना आएगा, 38 सही 8/9%, 38 सही 8/9%। 100 का 7 में गुणा करेंगे तो 700/18, ठीक है, इतना परसेंट प्लस में आएगा तो लाभ होगा। क्लियर है, चलिए अब इसी तरीके से अगला सवाल करते हैं, उसको देखिए कितनी जल्दी होने वाला है अगला सवाल। अगले सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी आपको, बिल्कुल नहीं परेशानी होगी, एकदम ध्यान से देखते जाए आप। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है बेटा,
40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, ऐसा ही सवाल है ना। तो क्या रहीम को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, 40 क्रय और 50 विक्रय। ध्यान से देखिएगा, क्रय की जगह लिखेंगे 40 माइनस विक्रय की जगह क्या लिखेंगे 50, बटे में भी विक्रय है तो यहाँ रहेगा 50, गुणे करेंगे 100। अब देखो 40 में 50 जाएगा माइनस 10 आएगा, और नीचे 50 गुणे 100, क्लियर है। माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिशत हानि होगी, माइनस में आ रहा क्या होगी प्रतिशत हानि, 50 दूना 100, 10 दूना 20, माइनस 20% का मतलब हानि हो गया, 20% हानि हो गया। बस इसमें कुछ है क्या, कुछ नहीं है, आप देखो और देखते ही उत्तर बता दो। याद रखना ये ट्रिक कब लगेगी, जब सवाल ऐसा हो कि इतने इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य उतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या किसी ने 15 वस्तुएं जितने में खरीदा उतने में ही 18 वस्तुएं बेच दिया, इस तरह के सवाल को आप इस ट्रिक से करेंगे। एक सवाल और धनादंत करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है इसका आंसर। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक लड़का है करीम, 60 अंडा जितने में खरीदा उतने में 75 अंडा बेच दिया, मतलब करीम द्वारा जो 60 अंडे खरीदे गए हैं उतने में ही 75 अंडे बेचे गए हैं, तो इसमें क्या करीम को लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसके लिए हमारी ट्रिक यहाँ पर है। इसके अनुसार हम करेंगे, 60 खरीदा माइनस चिन्ह लगेगा बीच में, बेचा विक्रय, विक्रय कितना किया 75, फिर नीचे विक्रय है तो यानी यहाँ फिर विक्री किया 75 गुणे 100, 25 तीन 75 घटाएंगे इसको तो माइनस 15 आएगा ऊपर, अरे 60 में से 75 जाएगा माइनस 15 बटे में 3 गुणे में 4, तो 3 5 15 5 आ गया, 5 4 20 हो गया, माइनस 20 आ रहा है, तो माइनस चिन्ह हटा के लिख देंगे इतना प्रतिशत हानि हुआ करीम को। भाई जितने में तुम 60 लाओगे उतने में 75 बेचोगे तो घाटा है ही, अरे जितने में लाओ उससे कम चीज़ बेचो तब ना फायदा पाओगे। तो यार यह ट्रिक हमें लगता है कि इससे आसान ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती, और ये सवाल जो लाभ हानि का आप देख रहे हो इसको इससे ज़्यादा आसान करके हल भी नहीं कर पाओगे, तमाम मानोगे ये तरीका वो तरीका सब फालतू है। इस तरीके से आप किसी भी किताब से, उपकार में, अरिहंत में, किसी भी पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन पाते हो तो उस पर ये ट्रिक आजमाते हो तो सही सही आंसर पाते हो। चेक करना ये वाली ट्रिक सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस ट्रिक को सीख गए हैं और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। थैंक यू।